कुरुक्षेत्र श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा की संरक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमरनाथ शर्मा की धर्मपत्नी सीता देवी को केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा इस सम्मान के लिए संरक्षक को बधाई दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शहीद आजम भगत सिंह जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक शाम शहीदों के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चरल रिलेशंस के आज़ाद ऑडिटोरियम में आयोजित उपरोक्त समारोह में मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सदस्यों का सम्मान किया। कार्यक्रम में दो बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर चुके ऋषि कवि संतोष आनंद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे पंडित सुजीत आज़ाद, विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी, संस्कार भारती दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कवि एवं रचनाकार राजेश चेतन, प्रख्यात अर्थशास्त्री शरद कोहली, वैदिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी साबरी ब्रदर्स, कवियत्री गौरी मिश्रा, कैप्टन के भारद्वाज, नवजोश फाउंडेशन के चंद्रमौली शर्मा, कवियत्री पूनम पांडे, अंजुम लाफ्टर चैलेंज फेम दीपक सैनी, प्रमोद गुप्ता, कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं जानता हूं कि 23 वर्ष की आयु में मैं कितना अपरिपक्व था, लेकिन 23 साल की उम्र में 90 साल पहले इस देश में एक ऐसे युवा भी थे जो कि भारत को गुलाम बनाकर शासन कर रही गूंगी बहरी ब्रिटिश हुकूमत के कान खोलने के लिए असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में अपने दो साथियों के साथ फांसी चढ़ गए, जबकि उस घटनाक्रम में किसी की भी जान नहीं गई। बघेल ने कहा कि वह आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन्हें गौरव का एहसास हो रहा है। वहीं तीर्थोद्वार के मुख्य सलाहकार जयनारायण शर्मा, एडवोकेट प्रधान श्याम सुंदर तिवारी, प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा, अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा निंदी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा व अन्य ब्राह्मण नेताओं ने बधाई दी।